गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कल अपन बात कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 7 के बारे में, तो उसको हम क्या करने वाले बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आई होप आपने किया होगा। और एक और चीज, ठीक है, वैसे आप यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हो, और इफ यू वॉन्ट टू टेक इट एज अ होमवर्क तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इलस्ट्रेशन 7 के बारे में बात कर लेते हैं। उसके पहले कुछ चीजें जो अपन ने पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। तब तक आप मुझे जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन में अपना होमवर्क भेज दीजिए। अगर आप रिकॉर्डेड कर रहे हो तो भेजने की जरूरत नहीं है, खुद से अपने आप को पूछ लीजिए कि क्या होमवर्क किया है कि नहीं किया है, ठीक है। हमने देखा था कि भैया तीन तरीके से पार्टीशन होते हैं। एक होता है आपका बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक होता है आपका आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और फिर आपका आता है आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये कुछ तीन पार्टीशन थे, हाँ भैया थे, ठीक है। उसमें से हमने कौन सा देखा था भैया? पहले वाला ही देखा अभी तक। तो अभी तक हमने कौन सा, गुड मॉर्निंग बेटा, हमने सबसे पहले ये वाला देखा। इसमें भी हमने देखा था कि सबसे पहले क्या देखा था, ओनली वन अकाउंट इज इम्पैक्टेड। तो उसमें हम क्या करते थे, जब एक अकाउंट इम्पैक्ट होता है और बिफोर ट्रायल बैलेंस होता है, तो अब बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो आपके पास वैसे भी अकाउंट ओपन है, क्या करोगे, सीधा अकाउंट में जाओगे और उसकी एंट्री कर दोगे, वेरी सिंपल। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? एक मिनट रुकिए, आ जाइए, ठीक है, यस। तो वन अकाउंट इंपैक्ट होता है तो क्या होता है बेटा, वन अकाउंट अगर इंपैक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, उस अकाउंट में जाके सिर्फ सिंपली लिख देते हैं। जैसे कि अगर परचेज अंडरकास्ट हुआ तो हम क्या करते हैं, टू अंडरकास्ट ऑफ परचेज फॉर द मंथ दिस, और अमाउंट लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज, बात हो गई खत्म, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर टू अकाउंट्स आर इंपैक्टेड, इफ देयर इज टू अकाउंट्स आर इम्पैक्टेड, अगर दो अकाउंट इम्पैक्ट करते, गुड मॉर्निंग बेटा, अगर दो अकाउंट इम्पैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, दो अकाउंट इम्पैक्ट करते हैं तो सर वेरी सिंपल, जनरल एंट्री करनी पड़ती है। अगर परचेज अंडरकास्ट किया है और कैश का परचेज था तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या कर देते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट, वेरी सिंपल, ठीक है। यहां तक अपन ने देखा था, हाँ। फिर मैंने देखा था जब टू अकाउंट इम्पैक्टेड है, ठीक है, टू अकाउंट्स इम्पैक्टेड है, उस टाइम पे आपको रेक्टिफाई कैसे करना है। उसमें मैंने तीन एग्जांपल लिखवाए थे। सबसे पहले मैंने आपको, देखो आपको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको दो चीजें ध्यान में रखने की, एक आप लिखोगे राइट एंट्री, क्या लिखोगे बेटा, एक आप लिखोगे राइट एंट्री, दूसरा आप क्या लिखोगे बेटा, रॉन्ग एंट्री, ठीक है। और दोनों को मिला के आप क्या करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे, क्या पास करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री बेटा पास करते हो, ठीक है। कैसे पास करते हो, जो सही नहीं किया उसको करने का, जो सही नहीं किया उसको करने का, मतलब यहाँ पे जो डेबिट करना था अगर वो डेबिट नहीं किया तो करने का, क्रेडिट करना था अगर वो नहीं किया तो करने का, ठीक है, और जो गलत किया उसको रिवर्स करने का। एक सिंपल सी लाइन याद रखने की, जो सही नहीं किया वो सही करने का और जो गलत किया उसको रिवर्स करने का। तो यहाँ पे जो हमने गलत किया होगा, ठीक है, हो सकता है कि हमने डेबिट सही किया है, जो डेबिट करना था वही किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्रेडिट गलत किया तो क्रेडिट को ही रिवर्स करो, ऐसा नहीं कि पूरी एंट्री को रिवर्स करो, जो गलत किया उसको रिवर्स करने का, ठीक है, जो गलत किया उसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो इस हिसाब से अपनी क्या बनती है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। अमाउंट भी जो गलत में लिखी है वही रिवर्स टाइम पे भी गलत में लिखोगे, और यहाँ पे सही वाले में जितनी लिखी है उतनी यहाँ पे अपने को सही वाली में होनी चाहिए। अगर आपने सही वाली में डेबिट करना था 500, बट आपने रॉन्ग वाली में डेबिट किया 50 से, तो सही वाली में डेबिट कितना करना था, 500 से, यहाँ पे डेबिट कितना कर दिया, 50 से, तो अब आपको रिमेनिंग अमाउंट से डेबिट करना रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री मैंने आपको सिखाई थी, इलस्ट्रेशन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो क्या आपने किया है कि नहीं किया, अगर किया है तो जल्दी से शेयर करिए, गुड मॉर्निंग। अगर आपने होमवर्क किया है तो जल्दी से शेयर करिए, और अगर नहीं किया तो भैया मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। 95 आपके, आपको लेके आना है बेटा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एरर के बारे में, फर्स्ट के बारे में। अब बिल्डर्स बिल्स बिल फॉर 2700 फॉर द इरेक्शन ऑफ अ स्मॉल शेड वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, ठीक है। अगर आपको कोई शेड बनाना है तो वो कहां पे जाना चाहिए,
वो भैया जाना चाहिए असेट में, कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, समझे थे? हाँ, ये एरर कौन ही है, कौन सी एरर है, प्रिंसिपल एरर है। हमने डेबिट क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से। अब रिपेयर अकाउंट को अगर मेरे को हटाना होगा तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी रिपेयर को मैं क्रेडिट करूंगा, और सही वाला मैं डेबिट करूंगा कौन सा, बिल्डिंग्स अकाउंट में क्या करूंगा, बिल्डर्स बिल और 275 फॉर इरिगेशन स्मॉल शेड, ठीक है, स्मॉल शेड अगर बनाना है तो बिल्डिंग अकाउंट को मैं क्या करूंगा, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करके मैं रिपेयर अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरे के बारे में बात करते बेटा, सेकेंड के बारे में बात करते हैं। अ चेक ऑफ 300 रिसीव्ड फ्रॉम अ रहीम बक्स एंड कंपनी वाज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू अलाउंस अकाउंट। अब देखो यहां पे करना क्या बेटा, आपको किससे चेक मिला था, रहीम से। जब चेक मिला होगा तब हमने क्या किया होगा, चेक इन हैंड या कैश इन बैंक टू क्या किया होगा, रहीम बक्स एंड कंपनी किया होगा। हाँ भैया, हमने पहले उसको क्रेडिट कर दिया, बट अब क्या हुआ, डिसऑनर हुआ, बैंक ने दो लाते मारी और बताइए किसका चेक है भाई, इधर क्यों लेके आए, इसमें पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रहीम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हाँ भैया डेबिट करेंगे, डेफिनेटली श्रुति, ओके आपने भेज दिया, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, ओके आई होप आपको कोई डाउट नहीं था, ठीक है। तो रहीम को अपने को क्या करना था भैया, रहीम को अपने को डेबिट करना था, हमने कर क्या दिया, अलाउंस को डेबिट कर दिया। अब गलत डेबिट कर दिया, उसको रिवर्स करेंगे, मतलब अलाउंस को क्रेडिट कर देंगे और सही वाला डेबिट करेंगे, यानी रहीम को डेबिट करेंगे, टू अलाउंस हो जाएगा, वेरी सिंपल। आ जाओ थर्ड पे, गुड्स टू वैल्यू ऑफ 150 रिटर्न बाय चंदमल ब्रोस वेर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री वॉज मेड, नो एंट्री वॉज मेड, इसका मतलब क्या होता है, फुल्ली ओमिशन, फुल्ली ओमिशन। अगर आपको गुड्स मिला है तो उसकी एंट्री कर दो, वेरी सिंपल। ये क्या है, आपका सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न टू क्या हो जाएगा, चंदमल ब्रोस हो जाएगा, सेल रिटर्न टू, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चंदमल ब्रोस। ये हो गया आपका थर्ड वाला। फोर्थ वाला, रिपेयर टू प्लांट अमाउंटिंग टू 567 हैड बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, नॉर्मल रिपेयर था और आपने प्लांट एंड मशीनरी को अकाउंट को डेबिट कर दिया। आपको करना क्या था, रिपेयर अकाउंट को डेबिट, अगर नहीं किया तो पहले कर दो उसको डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट, और जो गलत किया उसको रिवर्स करो, मतलब प्लांट एंड मशीनरी को गलत डेबिट किया उसको रिवर्स करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन, वेजेस पेड टू फर्म्स ओन वर्कमैन फॉर मेकिंग एन सर्टेन एडिशन टू मशीनरी अमाउंटिंग टू 550 वेर पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। देखो अगर आप मशीनरी में कोई भी एडिशन कर रहे हो, मशीनरी में कोई भी एडिशन कर रहे हो, तो वो जो खर्चा होता है, इवन आप अपने नॉर्मल वर्कर को देते हो, वो कहाँ पे जाता है, कैपिटलाइज होता है, कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। हाँ, रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते बेटा, सेल रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न इनवर्ड हुआ, और परचेस रिटर्न क्या हुआ भैया, आपका रिटर्न आउटवर्ड हुआ। दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो, आपका एंट्री सही होगा, कोई इश्यू नहीं है। अब ये वेजेस पेड किया, डेबिट किसको करना चाहिए था, मशीनरी को करना चाहिए था, क्योंकि एडिशन हो रहा है, ठीक है, और हमने डेबिट किसको कर दिया, वेजेस को कर दिया। भैया गलत किया उसको रिवर्स मारो, मतलब वेजेस को डेबिट किया तो वेजेस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और सही वाला मतलब मशीनरी को डेबिट करो, मशीनरी टू वेजेस। नेक्स्ट वन, अ चेक फॉर 75 रिसीव्ड फ्रॉम लाला वॉज क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ टीकाराम एंड डेबिटेड इनकरेक्टली टू कैश अकाउंट। अब देखो यहाँ पे किया क्या आपने, पूरा ट्रांजेक्शन अच्छी तरीके से समझना। हमें 75 का चेक मिला था लाला राम से चेक मिला। अगर सही एंट्री अपन करने जाते तो बेटा सही एंट्री क्या होती, अगर मैं बोलूं सही एंट्री होती अपनी कैश एंड बैंक टू, टू क्या होना चाहिए, एलआर लिख लेता हूं, लाला राम, ठीक है, एलआर कितने से होना चाहिए, 75। अब हमने कर क्या दिया, ठीक है, हमने क्रेडिट कर दिया किसको, टीकाराम को, और डेबिट क्या कर दिया, इनकरेक्टली टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया क्या है भैया, हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है, और हमें यहाँ पे किया क्या भैया, टीकाराम में डाल दिया, कहाँ पे डाल दिया बेटा, हमने टीकाराम पे यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे मेरे को ये बताओ, जो डेबिट किया वो तो सही किया है, डेबिट तो भैया सही है, ठीक है, तो डेबिट आपका एकदम सही है, कैश अकाउंट में बैंक कॉलम में गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हमने किया क्या, क्रेडिट किया, तो हमने क्या किया, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट किया, रॉन्ग एंट्री में लिख रहा हूँ, ये रॉन्ग एंट्री में, ये है राइट वाली एंट्री, ये है रॉन्ग वाली एंट्री। टू क्या कर दिया भैया, टू हमने टीआर कर दिया, टीकाराम, ठीक है, कितना भैया, 75। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करोगे, कैश एंड बैंक को डेबिट करना था, क्या किया है, हाँ किया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एलआर को क्रेडिट करना था, क्या क्रेडिट किया, नहीं किया, तो हम एलआर को क्या करेंगे, लाला राम को, क्या नाम है, हाँ लाला राम, एलआर को क्रेडिट करेंगे कितने, 75 से। और कैश एंड बैंक को डेबिट किया रॉन्ग एंट्री में, क्या सही किया, हाँ सही किया। एलआर को क्रेडिट, टीआर को क्रेडिट किया, क्या सही किया, नहीं गलत किया, उसको क्या करने का, रिवर्स, मतलब क्या करेंगे, टीआर अकाउंट डेबिट,
टू क्या करेंगे एलआर अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, हमें क्रेडिट करना था टीआर को, और सॉरी एलआर को हमने कर दिया टीआर को, टीआर को गलत क्रेडिट कर दिया, उसको डेबिट मारो और सही वाला एलआर को क्रेडिट कर दो। वेरी सिंपल। लास्ट ट्रांजेक्शन, सम ऑफ 100 ड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर अ पर्सनल यूज। अब देखो प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया भैया, 100 रुपए उठाए, वॉज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मेरे को ये बताओ क्या ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस है? नहीं, ये तो पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग होता है, तो हमें सही में डेबिट किसको करना चाहिए, ड्राइंग को या फिर कैपिटल को? तो हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे। टू क्या करेंगे भैया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस गलत डेबिट मार दिया, उसको क्रेडिट कर दो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो मैंने आपको बताया था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज चलते हैं भैया आगे। अगर समझ में नहीं आया तो रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री करके भी आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते बेटा, और अब आते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाले में। बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला किस्सा यहाँ पे होता है अपना खत्म 100%। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये किस्सा हम यहीं पे करते हैं खत्म। चलो अब नई वाली पकड़ते हैं, मेथड गर्लफ्रेंड नहीं। ठीक है चलो अब नई वाली की और चलते हैं, पिछले वाली को खुश कर दिया। अब आफ्टर ट्रायल बैलेंस की बात करते बेटा, अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया तो क्या करोगे? एक चीज हमेशा ध्यान में रखो बेटा कि जब भी आपका ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बन चुका है, क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करना कंपलसरी है। अगर आप जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ठीक है, तो इवन 1 अकाउंट इंपैक्ट होगा तो भी अपन यहाँ पे जर्नल एंट्री करोगे। आप बोलोगे भैया 1 अकाउंट इंपैक्ट है तो जर्नल एंट्री कैसे करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम समझाते हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो भैया कि आपका एक ही ऐसा पॉइंट है ये वाला जहां पे जर्नल एंट्री नहीं होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। ठीक है, बाकी हर जगह जर्नल एंट्री होके ही आपका क्या होगा भैया, एरर रेक्टिफाई होने वाली है। चलिए आफ्टर ट्रायल बैलेंस में आ जाते बेटा। आफ्टर ट्रायल बैलेंस में अगेन हम बात करते किसकी, when only one account is impacted। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, when only one account is impacted। कल आपने ये before trial balance वाला ये पूरा structure लिखा था कि नहीं लिखा था, ये वाला और ये वाला, मुझे ये बताइए ये लिखा था कि नहीं लिखा था? ये आपने ऐसे तीन पार्ट करके आपने before trial balance में कुछ लिखा था कि अभी बाकी है, एक बार बता दो। देखो अगर लिख लिया है तो after trial balance में लिखो when only one account is impacted। अगर लिख लिया है तो ये लिखिए when only one account is impacted, अगर नहीं लिखा है तो ये स्ट्रक्चर बनाइए, बिफोर ट्रायल बैलेंस आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये तीन बनाइए। ठीक है, तीन बनाने के बाद बिफोर ट्रायल बैलेंस में लिखिए when only one account is impacted, और उसमें लिखिए अंडर कास्ट ऑफ परचेज बाय ₹200। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे को लिखा है कि नहीं लिखा बेटा। ठीक है, ये कहाँ पे लिखोगे, फर्स्ट दो पेजेस थे उसमें मैंने दूसरा पेज एक ब्लैंक छोड़ने के लिए बोला था। ठीक है, कि भैया आपको ये ब्लैंक छोड़ना है रिवीजन के लिए, तो ये आपका रिवीजन नोट बन रहा है। क्या करोगे, तीन हिस्सों में बांटोगे, एक बनेगा आपका बिफोर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, फिर आपका बनेगा आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और एक आपका बनेगा आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बिफोर ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला हेडिंग डालिए व्हेन ओनली वन अकाउंट इज इंपैक्टेड, और उसके बाद लिख दीजिए ₹200 कॉस्ट ऑफ परचेज ₹200। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको लिखना है व्हेन टू अकाउंट्स आर इंपैक्टेड, व्हेन टू अकाउंट्स आर इंपैक्टेड, ये वाला लिखना है, ये वाला, फिर आपको ये लिखना है व्हेन टू अकाउंट्स आर इंपैक्टेड। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। भाई लिखोगे तो समझ में आएगा लिखा है कि नहीं लिखा, कुछ तो बताओ, मतलब आप ऐसे मुर्दे के जैसे कैसे देख सकते हो, मेरे को समझ में नहीं आता बेटा, मेरे को समझ में ही नहीं आता। लिख के बताओ तो समझ में आएगा कि भैया लिखा है कि नहीं लिखा है। और मेरे को ना कभी कभी ऐसा होता है कि यार क्या हो रहा है भाई, ठीक है चलो जो करना है करो, लिखना हो तो लिखो, ना लिखना हो तो ना लिखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे मैं बोल के जाने दूंगा, अभी आप कुछ नहीं करोगे तो। ठीक है, ये दोनों लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है अगेन व्हेन ओनली वन अकाउंट इज इंपैक्टेड। ठीक है, रिकॉर्डेड वाले हैं भैया, अच्छे से देखो, आपकी तो कोई बात ही नहीं है,
लिखा है सर, बहुत बढ़िया। हाँ तो ऐसे बोलो ना यार, 15 मिनट से चिल्ला रहा हूँ। When only one account is impacted, when only one account is impacted, उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप एरर को रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप डेबिट परचेज को बढ़ा दोगे तो भैया ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, जब आपको पता चला कि परचेज इज अंडर कास्ट ऑफ 200 रुपीज, तो आपको परचेज दिखाना पड़ेगा। परचेज दिखाने के लिए परचेज को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा भैया। तो हम क्या करेंगे, परचेज एंट्री लिखना मेरे साथ बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 200 रुपए। टू क्या करेंगे आप, अब देखो मेरे को ये बताओ कि सेकंड अकाउंट अपने को पता है, नहीं भैया ये ओनली वन अकाउंट इंपैक्टेड लिखा तो सही, ओनली वन अकाउंट इज इंपैक्टेड, तो परचेज है तो परचेज को डेबिट कर दिया, बट क्रेडिट कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट कितना, 200, ठीक है। हम क्या करेंगे बेटा, जब भी अपने को एक ही अकाउंट इंपैक्ट दिखा रहा है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, तो जो अकाउंट अपने को इम्पैक्ट है पहले उसको डेबिट या क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा जो अकाउंट जो अपने को नहीं पता है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अगर हम बात करें यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी, जब दो अकाउंट इम्पैक्ट है, अरे भैया जब दो अकाउंट इम्पैक्ट है तो ऑलरेडी आपको पता है परचेज अकाउंट डेबिट करना बाकी है, कैश अकाउंट क्रेडिट करना बाकी है, तो एंट्री क्या होगी, सेम टू सेम आएगी। कौन सी सेम आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि आपको पता है दोनों अकाउंट कौन से हैं। तो आप ये एंट्री लिखिए, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भैया सेम, क्या लिख सकते हो बेटा, सेम एंट्री, सेम मतलब कौन सी सेम, ऐसे एरो करके लिखना, ये वाली सेम, ये वाली सेम, ठीक है, ऊपर वाली सेम नहीं, ये वाली बाजू वाली सेम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब आपका वन अकाउंट इंपैक्ट होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, तो यू हैव टू क्रिएट अ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को आपको बनाना पड़ेगा। देखो अब सस्पेंस अकाउंट क्या चीज होती है भैया, जहां पे भी डिफरेंस आता है सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं, और फिर क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को भी बनाना पड़ता है। अब देखो सस्पेंस अकाउंट आपको अगर बनाना है तो कैसे करना है, यहां पे मेरे को ये बताओ, आपने जब ये वन अकाउंट वाली एंट्री में क्या डाला, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट को आपने क्या किया, क्रेडिट किया। तो जब भी आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, जब अगर आपको बनाने के लिए बोला है तो सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, उसमें आपने क्रेडिट किया, हाँ तो क्रेडिट साइड लिखोगे, हाँ भैया सस्पेंस को क्रेडिट किया, तो सस्पेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा। और क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में, परचेज क्या लिखेंगे, बाय अंडरकास्ट ऑफ परचेज कितना, 200 रुपए। इस तरीके आप सारी एंट्री करोगे, और आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, या तो वो डेबिट बैलेंस होगा या तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो जो भी आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है वो आपको लिख देने का, और आपका क्या हो जाएगा भैया, सस्पेंस अकाउंट मैच हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सस्पेंस अकाउंट में कुछ बैलेंस बच जाए, कुछ बैलेंस बच जाए, तो वो बैलेंस आप कहां पे लेके जाओगे बेटा, बैलेंस शीट में लेके जाओगे। ओके, सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, भैया कोई भी बैलेंस हो सकता है, सस्पेंस अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है भैया, जैसी गलतियां, ठीक है, जैसी गलतियां, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे आप, सस्पेंस अकाउंट की दो ट्रीटमेंट है, सस्पेंस अकाउंट की क्या है भैया, दो ट्रीटमेंट है। तो ये जो आपने लिखा, ठीक है, ये जो आपने लिखा उसके नीचे, उसके नीचे, ठीक है, आपको जहां पे भी जगह हो, मतलब मैंने एग्जांपल लिखवा है, अगर वो लिखने के बाद या आपको जहां पे भी जगह मिलती है अच्छी जगह, तो वहां पे आपको क्या लिखना है, वहां पे आप ऐसा लिखिए कि देयर इज टू ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, दो ट्रीटमेंट है, एक लिखिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस सीएफ लिखिए, उसके बाजू में एरो करके लिखिए नो एंट्री। अब मेरे को ये बताओ, किसी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे तो उसकी थोड़ी ना जर्नल एंट्री होती है, नहीं होती भैया, ठीक है। कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बचा, अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस बचा, तो कभी क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री की है, बैलेंस शीट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, भैया नहीं किया ना, तो कैरी फॉरवर्ड की कभी एंट्री नहीं होती। दूसरी ट्रीटमेंट रखिए, लिखिए राइट ऑफ टू पीएनएल अकाउंट, राइट ऑफ टू पीएनएल अकाउंट। अब इसकी जर्नल एंट्री होगी भैया, इसकी जर्नल, वी हैव टू पास जर्नल एंट्री, वी हैव टू पास जर्नल एंट्री,
और जर्नल एंट्री कौन सी होगी, जर्नल एंट्री कौन सी होगी, तो आप यहां पे लिख दीजिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बीच में लिखिए और, या तो क्या होगी, या तो होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा टू हो जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द बैलेंस, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है या फिर डेबिट बैलेंस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है, अगर सॉरी अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो आप क्या करोगे, पीएनएल डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ये वाला कर दोगे, ठीक है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, ये सस्पेंस अकाउंट है, डेबिट साइड कितना है भैया, डेबिट साइड आपका कितना है 1000 रुपए, क्रेडिट साइड सिर्फ 800 है, तो बैलेंस जो बता 200 वो आप क्या कर रहे हो पीएनएल में राइट ऑफ, तो यहाँ पे क्या सस्पेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा, पीएनएल को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो अगर आपका क्रेडिट बैलेंस बचता है, सॉरी डेबिट बैलेंस बचता है, तो आपको पीएनएल डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये लिख लिया, उसके बाद नीचे आ जाइए, ठीक है, इतना लिख लीजिए पहले, इफ देर इज अ टू ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंस, सॉरी देर इज अ टू ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, वन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नो एंट्री, इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, सेकंड राइट ऑफ टू पीएनएल, वी हैव टू पास जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। चलिए इतना लिख लिया, तो ओके ओके, एक और चीज, पीएनएल के ऊपर आप यहां पे आई रिक्वेस्ट के पीएनएल के ऊपर आप यहां पे कैपिटल भी लिख दे, कैपिटल अकाउंट, और बीच में लिख दीजिए और, मतलब या तो आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए या पीएनएल को डेबिट करिए, यहां पे भी पीएनएल को क्रेडिट करिए और कैपिटल लिख लीजिए, ठीक है। अल्टीमेटली पीएनएल में करोगे तो भी वो कैपिटल में एडजस्ट होगा और सीधा आप कैपिटल भी कर सकते हो। तो यहां पे क्या करना है, कैपिटल अकाउंट और पीएनएल अकाउंट डेबिट, या तो आप कैपिटल को डेबिट करिए या तो पीएनएल को डेबिट करिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मैं इस तरफ लेता हूं, परफेक्टली दिख रहा है आपको, ठीक है। यहां पे क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, या तो पीएनएल को क्रेडिट करो या तो कैपिटल को क्रेडिट करो, दोनों चीजें आपकी क्या होगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ आपका सस्पेंस का, भैया एंट्री कब होती है कब नहीं होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम में क्या पूछते हैं, बेटा एग्जाम में आपको नॉर्मल जो जनरल एंट्री देते हैं वही देते हैं। अगर दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है तो सेम तरीके से आप करोगे, जो मैंने आगे तीन ट्रांजेक्शन करवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी सिंपल वेरी इजी। बट जब आपका वन अकाउंट इंपैक्ट होता है तब आपको ये ध्यान में रखने का कि जो अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है उसको डेबिट करना है कि क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे परचेज इंपैक्ट हो रहा है, परचेज हमने कम दिखाया तो परचेज को दिखाने के लिए परचेज को क्या करना है, डेबिट करना है। तो जो दूसरा बचा वो अकाउंट नहीं पता है उसको क्या करेंगे, सस्पेंस करेंगे। वेरी सिंपल, ये चीज सेम रहने वाला है दो अकाउंट इंपैक्ट वाला। एक अकाउंट में बहुत ईजी है, आपको अकाउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, जो आपका एरर है वो ढूंढ लो और बाकी जो भी डेबिट और क्रेडिट जो भी आपका बचता है वो सस्पेंस में डाल दो, बात हो जाएगी खत्म, ठीक है। तो उसकी जर्नल एंट्री सिर्फ आपको इस तरीके से बनानी है। और फिर एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे कि भैया आपको पूछेंगे कि सस्पेंस अकाउंट बनाइए, तो वेरी सिंपल, आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, जहां पे सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है वहां पे सस्पेंस आप क्रेडिट करोगे, जहां पे डेबिट हो रहा है वहां पे डेबिट करोगे। अगर आपको ऐसा बोलता है कि ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 870 रुपीज, दैट मींस 870 रुपीज क्या है, आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस में लिख दीजिए भैया 870। आई होप आपको समझ में आता है, ठीक है। राइट ऑफ के बाद क्या लिखा है, किधर राइट ऑफ टू पीएनएल अकाउंट, राइट ऑफ टू पीएनएल अकाउंट, बेटा राइट ऑफ टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको आई होप आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ एक अकाउंट वाले में ही चेंज आएगा, ये तो सेम एक अकाउंट वाले में चेंज, वो भी आपको जनरल एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट है तो क्रेडिट करना है, सस्पेंस को डेबिट का तो डेबिट करना है, ठीक है। चलो अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो एक और नोट मेरे को आपको लिखवाने हैं, लिख लीजिए, आ जाइए मेरे साथ ही लिख लीजिए ताकि आपको साथ में ही खत्म हो जाए। इन द क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड दैट, इफ इन द क्वेश्चन
इफ इन द क्वेश्चन इट इज आज दैट विच एरर्स आर इंपैक्टिंग ट्रायल बैलेंस. आप पूरा लिखना, आप टीवी मत करना, ठीक है. इन द क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड दैट विच एरर्स आर इंपैक्टिंग ट्रायल बैलेंस देन इन आंसर वी विल राइट those errors which are we will write those errors which are impacting only one account or bracket mein likh sakte ho when और ब्रैकेट में वैन वैन कुछ मत लिखो, वैन को हटा दो, सिर्फ लिख दो सस्पेंस अकाउंट. मतलब जहां पे सस्पेंस अकाउंट आ रहा है या फिर एक अकाउंट. अब देखो मैंने ओनली वन अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे ओनली वन अकाउंट में बिफोर ट्रायल बैलेंस भी आ जाएगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी आ जाएगा, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ जाएगा, ठीक है. तो अगर आपको पूछता है क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछता है, आपको भैया काफी सारी एरर्स दे देंगे और आपको बोलेंगे कि आप रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास करिए. क्या करिए बेटा, रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास करिए. तो आप क्या करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास करोगे और नीचे एक और चीज लिखेगा कि आफ्टर रेक्टिफाइंग द एंट्री प्लीज राइट डाउन द एरर्स व्हिच इंपैक्ट द ट्रायल बैलेंस. मतलब वो एरर्स हमें बताइए कि जो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट कर रही थी, तो वो वैसे ही ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करेगी एरर जो वन अकाउंट को इंपैक्ट कर रही है. भैया ये क्यों, देखो सिंपल सी बात है, अगर दो अकाउंट को इंपैक्ट कर रही होगी तो क्या हो जाएगा, एक अकाउंट डेबिट होगा एक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ट्रायल बैलेंस को कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि एक अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो उतनी अमाउंट से दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, वेरी सिंपल. तो ये तो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट ही नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट वन अकाउंट वाली ही करेगी, या तो वो डेबिट हो रही होगी या तो वो क्रेडिट हो रही है, इसीलिए तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा. तो अगर आपको ऐसा पूछते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कौन सी एरर्स इंपैक्ट कर रही है, तो आपको आंसर में जैसे आप ये आंसर लिख दोगे जर्नल एंट्री ऐसे आप लिख दोगे, ठीक है. तो अगर आपने बिफोर ट्रायल बैलेंस होगा तो सिर्फ टू करके जो लिखा होगा वो एंट्री इंपैक्ट कर रही होगी, अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस होगा तो आप देखोगे कहां पे सस्पेंस है, जहां पे भी सस्पेंस होगा वो कौन सा होगा. भैया सस्पेंस कहां से आएगा, सस्पेंस तभी आएगा जब वन अकाउंट इंपैक्ट होगा. तो आपको जर्नल एंट्री में देखोगे आपने जो आंसर लिखा है उसमें कि कहां पे मैंने सस्पेंस बनाया, तो लिख दोगे कि भैया एंट्री नंबर दिस 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 या एरर नंबर दिस 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 वो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट कर रही है, ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है. तो ये अपन ने लिख लिया. अब बात करते हैं सस्पेंस अकाउंट वाला कोई क्वेश्चन देख लेते हैं अगर अपने को दिया है. अच्छा यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए, यहां तक अगर कोई डाउट है तो मुझे पहले ही बता दीजिए बेटा. आई थिंक ये सेकंड वाला अच्छा क्वेश्चन होगा. चलो आई एम वेटिंग फॉर 30 seconds, जल्दी से बता दीजिए. बताइए जल्दी से, नो डाउट है तो कमेंट में एंडी कर दीजिए तो भी समझ में आ जाए कि हाँ भैया नो डाउट है. अब देखो यहां पे क्या लिखा है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाइए जल्दी से. चलो लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन नंबर 2. थैंक यू सो मच बेटा, आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं. मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सितंबर, ठीक है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिया है तो अपने को नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला मैंने नहीं सिखाया अभी आपको. दूसरा ढूंढते हैं भैया, ओह माय गॉड भाई मेरे को दूसरा कोई मिल गया है. ये क्या है क्वेश्चन नंबर
as the journal entry to rectify the errors, also show the suspense account. While balancing the books of account, notice the tile band did not tally. हाँ भैया ये illustration 4 पे आ जाए. Sorry हाँ. और second वाला क्या बाकी है अपना करना. तो नहीं मजा आएगा. Illustration 4 पे आ जाइए. अब देखो illustration number 4 पे क्या लिखा हुआ है. A merchant while balancing his books of accounts noticed the trial balance did not tally. भैया वो अकाउंट को मैच करने बैठा बट ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ. इसका मतलब ये क्या हुआ? आफ्टर ट्रायल बैलेंस हुआ. क्या ये बात आपको समझ में आई? मतलब आपको कौन सा फॉलो करना है भैया? आफ्टर ट्रायल बैलेंस. ओके, बिफोर ट्रायल बैलेंस आफ्टर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कहां पे है भैया? एक ही चीज में डिफरेंस है, वो है वन अकाउंट वाले में. ठीक है, बाकी तो दो अकाउंट इंपैक्ट है तो नॉर्मल जनरल एंट्री हो जाएगी. बट अगर एक अकाउंट इंपैक्ट है और आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो मेरे को सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके जनरल एंट्री करनी पड़ेगी. इट शोज एक्सेस क्रेडिट ऑफ 1700. ये क्या शो कर रहा है? ज्यादा क्रेडिट शो कर रहा है, ज्यादा क्रेडिट शो कर रहा है. ओके, ज्यादा क्रेडिट होना, इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ भैया क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं. तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्या है? ही प्लेस द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट. मतलब उसने अपने डिफरेंस को कहाँ पे? सस्पेंस अकाउंट में लिखे गया. तो अगर आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो यहाँ पे ज्यादा क्या है? यहाँ पे ज्यादा है क्रेडिट. जो ज्यादा होता है वो बैलेंस होता है. ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस है ये अपन बोल सकते हैं. हाँ, मतलब सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है. हाँ, तो सस्पेंस अकाउंट में ये 1700 क्या है? आपके लिए ओपनिंग बैलेंस है. तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखोगे बैलेंस, क्या लिखोगे बेटा? सस्पेंस अकाउंट का 700 का बैलेंस. बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड कितना? 1700. तो पहले आपको जब सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोले तो पहले ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी. एंट्री मतलब जर्नल एंट्री नहीं, पोस्टिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, तो 1700 आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है. जब आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोले तो आप पहले क्रेडिट साइड में लिख दोगे 1700. क्रेडिट साइड में क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है. एक्सेस क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस. वेरी सिंपल. चलो आ जाते हैं. और फिर इन्होंने क्या बोला? सब्सिक्वेंटली नोटिस द फॉलोइंग एरर्स. और जब हमने ये सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया फिर अपने को पता चला कुछ एरर्स और जिसको अपने को क्या करना है? सुधारना है. चलिए सबसे पहले Goods bought from Narayan for 5000 were posted to the credit of Narayan's account as a 5500. Okay, हमने नारायण से क्या किया? परचेज किया है. अगर हमने उससे परचेज किया है बेटा, अगर हमने क्या किया? उससे परचेज किया है. कितने का किया है? हमने परचेज किया भैया 1500 रुपए का और हमने डाला कितना? सॉरी 500 रुपए का. अल्लाह मेरा दिमाग हट गया. हमने परचेस किया है 5000 का बट हमने क्रेडिट कितना कर दिया? 5500. अब मेरे को ये बताओ क्या हमें उसको 5500 से क्रेडिट करना चाहिए था? नहीं. हमें क्रेडिट कितने से करना था? हमें क्रेडिट करना था 5000 से. हमने क्रेडिट कर दिया 5500 से तो हमें 500 से नारायण को डेबिट करना पड़ेगा. यस और नो? क्या ये बात समझ में आई? यस और नो, हमें डेबिट करना पड़ेगा. हाँ, तो नारायण को डेबिट करेंगे बट क्रेडिट क्या करें? सेकंड अकाउंट तो पता ही नहीं है तो क्रेडिट क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट. तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, पहले वाला. ठीक है, चलो आ जाइए बेटा. दूसरा, एन आइटम ऑफ 750 एंटर्ड इन अ परचेज रिटर्न बुक वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ पांडे टू हुम द गुड्स हैज बीन रिटर्न. अब मेरे को ये बताओ, जब भी हम किसी को गुड्स रिटर्न करते हैं हमने क्या किया? ये बेटा हमने परचेज रिटर्न किया. अगर हमने परचेज रिटर्न किया तो हमें उसका अकाउंट क्या करना चाहिए? अगर हमने 750 परचेज रिटर्न किया, किसको किया? पांडे को किया. अगर पांडे को हम रिटर्न कर रहे हैं परचेज रिटर्न तो हमें पांडे अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न करना चाहिए. हाँ, तो परचेज रिटर्न तो सही किया बट पांडे को डेबिट करने की जगह क्रेडिट कर दिया. अल्लाह, तो पांडे को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा. तो पहली चीज, जो नहीं किया वो करने का, मतलब पहले पांडे को डेबिट करेंगे. कितने से भैया? 750 से. समझ में आया? हाँ भैया. ठीक है, और जो गलत किया उसको रिवर्स करेंगे. गलत क्या किया? पांडे को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया. तो क्रेडिट किया उसकी इंपैक्ट हटाने के लिए एक और बार डेबिट करना पड़ेगा. कितने से? 750 से. तो हम पांडे को एक और बार डेबिट करेंगे 750 से. अल्टीमेटली हम पांडे को 1500 से डेबिट करेंगे. टू क्या करेंगे? सेकेंड अकाउंट अपने को बतानी है तो क्या? सस्पेंस अकाउंट 1500. क्या ये चीज आपको समझ में आई? क्या ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, ये मैंने आई होप आपको याद होगा. तो तीन ट्रांजेक्शन लिखवाए थे, उसमें याद है अपन ने लिखा था रॉन्ग साइड वाला एक आ रहा था. ठीक है, अगर आपको बी का राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री देखना है तो देख लो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा. ठीक है, इसमें हमने करना क्या था? इसमें हमने करना क्या था? इसमें हमने राइट एंट्री करना था भैया पांडे अकाउंट डेबिट. अगर समझ में आया तो कमेंट में वाई कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गया. यस, समझ में आ गया. ठीक है,
750 करना चाहिए था, 2 करना था परचेज रिटर्न, कितना 750। ये क्या अपना राइट एंट्री। ओके रॉन्ग एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री भैया हमने कर दिया, हमने डेबिट क्या किया वो तो पता ही नहीं है, हमने क्रेडिट कर दिया। क्या क्रेडिट कर दिया, हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया 750, हमने क्रेडिट कर दिया पांडे को कितने से 750 से, ठीक है। डेबिट क्या किया वो तो पता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो अपने को पता ही नहीं है, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते टाइम हम क्या करेंगे भैया, जो सही नहीं किया वो सही करने का। मेरे को ये बताओ सही करना था पांडे को डेबिट, क्या हमने डेबिट किया, नहीं किया, तो हम पांडे को क्या करेंगे डेबिट करेंगे कितने से 750 से, बहुत बढ़िया। दूसरा हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, क्या हमने कर दिया, हाँ भैया कर दिया, तो इसका कुछ करने का कुछ भी नहीं करने का। चलो ये हो गया राइट एंट्री वाला, अब आते हैं रॉन्ग एंट्री में। रॉन्ग एंट्री में परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, अब किया है तो क्या हमें करना था, हाँ करना था, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं टू पांडे अकाउंट में, पांडे अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, क्या हमें करना था भैया, नहीं करना था, तो इसको क्या करेंगे रिवर्स करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो हम पांडे को एक और बार डेबिट करेंगे, पांडे अकाउंट डेबिट कितना 750, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ दो बार पांडे अकाउंट डेबिट 750 लिखे, उसके बेहतर हम ऐसा लिख सकते हैं दोनों की अमाउंट क्लब करके 1500, पांडे अकाउंट डेबिट कितना 1500। अब टू में क्या करें भैया, डेबिट क्या किया वो अकाउंट पता ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे टू सस्पेंस अकाउंट कितना 1500। क्या आपको ये समझ में आया बेटा, ऐसा मैंने ट्रांजेक्शन आपको करवाया हुआ था, आई होप आपको याद होगा, ये वाला ट्रांजेक्शन मैंने करवाया था, तीन ट्रांजेक्शन लिखवाए थे, उसमें एक रॉन्ग साइड वाला था, परचेज की जगह सेल दिखा दिया था। क्या ये समझ में आया, यस और नो एक बार कमेंट कर दो भाई जिंदा हो तो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट बोलो तो रिपीट मारो, इसमें कुछ नहीं भाई, राइट एंट्री करो रॉन्ग एंट्री करो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। रॉन्ग साइड होती है तब आपकी अमाउंट जो होती है वो राइट वाली भी लेने की प्लस रॉन्ग वाली भी लेने की, ठीक है। परचेज और सेल वाला एक बार निकाल के अगर ऐसा हो तो आप देख लीजिए, परचेज की जगह हमने सेल दिखाया था तो वहां पे भी हमने ऐसे ही किया था। ओके समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पांडे को हमने फॉर एग्जांपल क्रेडिट कर दिया, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता इस ट्रांजेक्शन में, चलो मैं थोड़ा एडिशन और समझाता हूँ डेप्थ में, आपको समझ में आया इसलिए बेटा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, परचेज रिटर्न था कितने का 750 का, और आपने पांडे को क्या कर दिया क्रेडिट, बट अगर यहाँ पे लिखा कि पांडे को आपने क्रेडिट किया 75 से, कितने से क्रेडिट किया 75 से, तो अब आ जाओ तो क्या होता, रॉन्ग अकाउंट और रॉन्ग साइड दोनों लेते हैं, ठीक है। तो राइट एंट्री तो सेम टू सेम, हाँ भैया। रॉन्ग एंट्री में आ जाइए, रॉन्ग एंट्री में परचेज रिटर्न 750, हाँ पांडे को कितने से किया 75 से किया, मैंने अब यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। हाँ हमने डेबिट क्या किया पता ही नहीं है, चल अब आ जाओ फिर से रेक्टिफाई एंट्री इसकी पास करते हैं थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए। पहले राइट एंट्री को देखेंगे, जो करना था डेबिट वो किया है नहीं किया है, तो पांडे को पहले डेबिट करेंगे कितने से, ओके बेटा पांडे अकाउंट डेबिट कितने से 750 से, ठीक है। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, क्या क्रेडिट हो गया, हाँ भैया हो गया, राइट एंट्री खत्म। रॉन्ग एंट्री में आते हैं, हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया, क्या करना था, हाँ करना था, वेरी सिंपल हो गया खत्म। पांडे को हमने क्रेडिट किया, क्या करना था नहीं करना था, तो उसको रिवर्स करो भैया, रिवर्स कितने से करो 750 से, ना बाबा ना, जितने से गलत किया उतने से ही रिवर्स होगा, 75 से हमने गलत किसी क्रेडिट कर दिया तो 75 से हम गलत उसको फिर से क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, हम क्या करेंगे पांडे अकाउंट डेबिट करेंगे कितने 75। भैया पहले वाले में 750 और यहां पे 75 क्यों, क्योंकि पहले वाले में गलती 750 की थी तो 750 से रिवर्स किया, यहाँ पे गलती 75 अमाउंट है तो यहाँ पे रिवर्स भी 75 से ही होगा, ठीक है। तो 750 प्लस 75 हम दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं क्योंकि हम पांडे को डेबिट ही कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 825। कैसे आया भैया 750 ये प्लस 75 ये, अब वेरी सिंपल है, ये पांडे का अकाउंट है, ठीक है। आपको उसको क्या करना था डेबिट करना था, यहाँ पे करना था, ठीक है, यहाँ पे करना था, आपने गलती से लिख दिया इधर, अगर आपने 75 उधर लिख दिया तो पहले जीरो इंपैक्ट डालने के लिए आपको 75 इधर लिखना पड़ेगा, तब तो क्या होगा जीरो इंपैक्ट होगा, मतलब हमने अभी भी उसको डेबिट नहीं किया बट एक्चुअल में जो डेबिट करना था वो भी अपन डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या होता है बेटा आपका एंट्री होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आता तो राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखोगे यू विल डेफिनेटली गेट एन आइडिया। सी सन्ड्री आइटम ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर 26,000 वर एंटर्ड इन द सेल बुक। मेरे को ये बताओ फर्नीचर हमने सेल किया,
क्या वो सेल बुक में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भैया नहीं जाना चाहिए, सेल बुक में क्या जाता है? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ही जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था, गलती से हमने क्रेडिट क्या कर दिया, सेल को कर दिया। तो फर्नीचर जो सही नहीं किया उसको करने का मतलब फर्नीचर को क्रेडिट, और जो गलत किया सेल को क्रेडिट किया गलती से उसको रिवर्स मारेंगे, यानी कि सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, वेरी इजी। चलो, डिस्काउंट ऑफ 300 फ्रॉम अ क्रेडिटर हैज बीन ड्यूली एंटर्ड इन अ क्रेडिटर्स अकाउंट बट वाज नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, हमें क्रेडिटर से 300 रुपए मिले तो हमने क्रेडिटर के अकाउंट में तो सही से डाल दिया, बट हमने कहां पे नहीं डाले भैया, डिस्काउंट अकाउंट में नहीं डाले। अगर हमने डिस्काउंट अकाउंट में नहीं डाले, इसे क्या बोलते हैं, पार्शियल ओमिशन बोलते हैं। हाँ, ये आपको जो डिस्काउंट मिला, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है, ये क्या आपकी इनकम है, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कौन सा क्रेडिटर अपने को बतानी है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे भैया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अगर आपको समझ में आ चुका है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब अगर आपको समझ में आ चुका है तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 जल्दी से जल्दी अपनी बुक में लिख लीजिए, अपने हिसाब से ट्राई करना भैया, देख के आंसर नहीं लिखना। आपको पता है मैंने डिस्कस इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, उसके बाद तो आपको अपने आप से ही लिखना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट्स, क्यों, क्योंकि 4 ही ट्रांजेक्शन है और 1 मिनट आपको स्ट्रक्चर बनाने का। जल्दी से जल्दी 5 मिनट में कंप्लीट करिए, 10:40 है, 10:45 को अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने वाले हैं। जल्दी से करिए बेटा, और अगर नहीं समझ में आया तो मुझे डाउट पूछ सकते हो कभी भी, मैं यही। चलिए जल्दी से शुरुआत कर दीजिए बेटा लिखना, नरेशन नहीं लिखोगे तो चलेगा। और हाँ, एक और चीज, आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, तो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग तो मैंने बता दिया, क्रेडिट बैलेंस है, कैसे क्रेडिट ज्यादा है, और जहां जहां पे सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखने का, जहां जहां डेबिट हो रहा है सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड लिखने का। रुको एक बार दिखा देता हूं, देखो देखो आ जा, देखो ये पहली जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 500 रुपए से। हाँ भैया, पहली में देखो नारायण टू सस्पेंस 500 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, तो अगर सस्पेंस अकाउंट इन्होंने बताया बनाया होगा तो दिखा देते हैं, अदरवाइज मैं बना के दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं। रुको एक मिनट, मैंने नेक्स्ट किया, ये लैग हो गया। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे ये लैग हो गया, ठीक है, इसको हो जाएगा भाई, क्या हुआ, ओ भाई एक सेकंड रुको, मैं ओपन करता हूँ, तब तक आप देख लीजिए। नेक्स्ट पेज पे अगर आपका होगा सस्पेंस, तो सस्पेंस में क्रेडिट साइड में लिखा होगा, जल्दी से बनाइए। चलो शुरू हो जाइए अभी, 10:50 क्योंकि सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। चलो 10:50 का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि सस्पेंस अकाउंट भी आपको बनाना है, जल्दी से बनाइए बेटा।
चलो भैया बहुत बढ़िया। सस्पेंस अकाउंट बनाया क्या? मेरे को बताओ सस्पेंस अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? सस्पेंस सस्पेंस बनाने का था। ठीक है, आई होप आपने जर्नल एंट्री लिख लिया होगा और आपने सस्पेंस अकाउंट भी बनाया होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है भैया? अपने काम का है तो कर लेते हैं। 5 अपना बाकी है। हाँ बाकी है। चलिए, हाँ सर बनाया है, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाइए। ठीक है चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। An amount of 200 withdrawn by owner for a personal use debited to trade expense. पहले की rectification entry क्या होगी? फटाफट से कोई मुझे बताएगा क्या? पहले की rectification entry क्या होगी? फटाफट से बताओ। A वाले की। ठीक है, A वाले के लिखने बाद तुरंत B वाले भी आप comment कर सकते हो अगर आपको समझ में आता है कि क्या कहना चाहता है। हमने भैया drawing किया था और हमने दिखा दिया trade expense। ड्रॉइंग किया था और दिखा दिया ट्रेड एक्सपेंस। क्या करना चाहिए, क्या लगता है बताओ? दिमाग में सोचो क्या होना चाहिए। भैया हमें ड्रॉइंग, मतलब हमें ड्रॉइंग को डेबिट करना था या कैपिटल को डेबिट करना था? हमने गलती से डेबिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंस को, तो जो नहीं किया उसको करेंगे, मतलब ड्रॉइंग को डेबिट करेंगे और हो गया है? क्या बात कर रहे हो? किया था? अरे हाँ ये किया था। ओह माय गॉड किया हुआ है। ओह माय गॉड। ठीक है, डन 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 डन। चलो भाई हो गया डन। हाँ, मैंने आपको बोला था डायरेक्ट एंट्री लिखने की। हाँ ओके चलो एक काम करते हैं। उसमें एक एंट्री बाकी थी ना, मतलब एक एंट्री जिसमें सस्पेंस था, मैंने बोला था आई वाला, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओहो ठीक है। आ जाइए बेटा आई वाले में, आ जाइए आई वाला। द पीरियड एंड टोटल सेल बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 100। देखो आपने कोई टोटल किया है किसका? सेल बुक का, वो अंडर कास्ट है। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस होता तो सिंपल सा क्या करेंगे, सेल बुक में जाएंगे लिख देंगे, ठीक है। बट अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो जर्नल एंट्री करनी कंपलसरी है कि नहीं? कंपलसरी है। तो आई का मुझे आंसर बताइए कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर आपको दिया है, अगर आपको ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस दिया है तो आप इसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे? आपने सेल कम दिखाया है 100 रुपीज से, तो अभी आपको सेल दिखाना पड़ेगा। क्या एंट्री करोगे आई की, जल्दी से बताइए आई की जर्नल एंट्री। बहुत इजी, वेरी सिंपल भाई, जल्दी से बताइए क्या एंट्री करोगे, आई की एंट्री बताइए। अंडरकास्ट और ओवरकास्ट में क्या डिफरेंस होता है? आई ला, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। आपका जो फर्स्ट पेज है ना, जहाँ पे आप रिविजन नोट बना रहे हो, उस पे जो जगह होती है ना बुक के ऊपर, हम चैप्टर का नाम लिखते हैं वहां पे, या कहीं पे भी जगह है तो लिख दीजिए अंडरकास्ट इज इक्वल टू कम दिखाना। क्या लिखते हैं भाई? अंडरकास्ट इज इक्वल टू कम दिखाना और ओवरकास्ट इज इक्वल टू ज्यादा दिखाना। सस्पेंस टू शेल कुशल, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, सही है। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम दिखाना। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? कम दिखाना। यानी आप लिख दीजिए अंडरकास्ट इज इक्वल टू शॉर्ट, शॉर्ट भी बोलते कि शॉर्ट दिखाया, इज इक्वल टू क्या बोलोगे, कम दिखाना। ओवरकास्ट, ठीक है उसको बोलते एक्सेस, ज्यादा दिखाना, या यहां पे लिख सकते हो ज्यादा दिखाना। समझ में आया बेटा? ठीक है बहुत बढ़िया श्रुति, बहुत बढ़िया। ठीक है तो ये आप लिख लीजिए बेटा। ठीक है देखो आपकी बुक, आपकी बुक है, पास आपको होना है, ठीक है। तो जो भी छोटी छोटी चीजें भी समझ में नहीं आती मेरे को पूछिए, अच्छा लगा मेरे को आपने पूछा, ठीक है मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अपने को अपनी बुक में लिखने का, भाई हमारी बुक हमें ही पढ़नी है, बॉयफ्रेंड को तो देनी नहीं है, और देनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपने को नहीं पता तो लिखा है उसमें क्या गलत बात है, ठीक है आ जाओ बेटा। चलो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया।
चलो वन हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स वाला किया था क्या? होमवर्क में कौन सा दिया था मैंने? यही तो दिया था ना। अरे आज मेरा दिमाग क्यों घूम गया, सॉरी सेवन वाला होमवर्क में दिया था ना। हाँ चलो सिक्स वाला एक बार देखते हैं कि सिक्स में क्या दिया है। सिक्स में अपने को दिया है फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ ऑन नेट प्रॉफिट। चलो वो मेरे को बताना बाकी है नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट वाला। ओके उसमें ठीक है चलो कोई बात नहीं आ जाओ। अब जहां पे आपने नोट्स लिखी थी ना बेटा, हाँ सेवन था होमवर्क में, जहां पे आप नोट्स लिख रहे थे ना इसके नीचे ये जो नोट लिखी थी ना उसके साथ एक और नोट आपको लिखनी है, एक और आपको नोट लिखनी है। क्या नोट लिखनी है? चलो आ जाओ बेटा जल्दी से पेज ओपन करिए ताकि मैं बोलना शुरू करूं। When in the question, when in the question, it is asked that what, it is asked that what will be impact on प्रॉफिट, ठीक है, व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। ठीक है व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। ठीक है एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको ये लिखना, तो चलो यहां तक लिख लिया, ठीक है आगे वाला मैं लिखवाने से पहले आपको समझा देता हूँ। ठीक है अब सिंपल सी बात मेरे को ये बताओ बेटा कि हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? हाँ वैसे भी कर सकते हो बट अगर स्टिकी नोट चली गई तो ये नोट ना चली जाए बेटा। अगर आप स्टिकी नोट में नोट लिख रहे हो तो भी इश्यू नहीं है, अगर जगह है, जो पहले दो पेज बोले थे ना, पहले दो पेजेस, अगर पहले दो पेजेस में जगह है तो वहां पे लिखिए। When in the question it is asked that what will be impact on profit। अब मुझे ये बताइए ट्रेडिंग अकाउंट में आप डेबिट क्या करते हो, एक्सपेंस डेबिट करते हो कि इनकम डेबिट करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएनएल अकाउंट में आप डेबिट क्या चीज करते हो बेटा, एक्सपेंस डेबिट करते हो या प्रॉफिट डेबिट करते हो? मुझे ये बताइए भैया। हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं एक्सपेंसेस, पीएनएल में भी हम डेबिट करते हैं एक्सपेंसेस, समझ में आता है? हाँ ओके। तो क्रेडिट क्या करते हैं? क्रेडिट में करते हैं भैया हम इनकम, यानी कि सेल हो गया, अदर इनकम हो गई, वो सब चीजें हम क्या करते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्या आपको पता है? हाँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेडिंग या फिर पीएनएल अकाउंट को डेबिट करोगे, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को डेबिट करोगे यानी आप खर्चा ज्यादा दिखाओगे, हाँ भैया, या फिर आप इनकम को कम करने के लिए भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल को डेबिट कर सकते हो। कैसे समझाऊंगा बट अभी के लिए इतना समझो कि अगर हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल को डेबिट करते हैं, अगर हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल को डेबिट करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम खर्चा दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि खर्चा बढ़ेगा तो इनकम क्या हो जाएगी बेटा, आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी? प्रॉफिट आपकी कम हो जाएगी। क्या समझा कि नहीं समझा? फिर से एक और बात बोल रहा हूँ, अगर आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को डेबिट करोगे इसका मतलब होता है कि आपका एक्सपेंस बढ़ा, और अगर एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेरी सिंपल। हाँ भैया दूसरी चीज, अगर आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल को क्रेडिट करते हो यानी कि आप इनकम दिखा रहे हो उसका मतलब ये होता है कि जब आप इनकम बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल। इतना समझ में आया? हाँ भैया ठीक है। अब देखो दूसरी एक और चीज, क्या आप पीएनएल, ट्रेडिंग और पीएनएल को दो तरीके से आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। क्या करते हो? दो तरीके से डेबिट करते हो। एक एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंस बढ़ाओगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरा इनकम को कम करने के लिए। आप बोलोगे मैंने कभी भी ट्रेडिंग और पीएनएल को इनकम को क्रेडिट करने के लिए डेबिट करना नहीं है भैया, तो वो कैसे? मतलब आप देखो सेल हुआ, आपने फॉर एग्जाम्पल सेल दिखाया 1 लाख का, सेल 1 लाख का दिखाया, ठीक है।
अब ये सेल रिटर्न आपको दिखाना है तो आप सेल में से माइनस करते हो, अल्टीमेटली आप डेबिट करते हो सेल रिटर्न, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, आपकी इनकम कम हो गई कि नहीं हुई, हुई। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सेल दिखा दिया 1 लाख रुपए का, आपने बेटा सेल दिखा दिया 1 लाख रुपए का, बट आपको एरर्स है। देखो रेक्टिफिकेशन एरर्स का मतलब ही क्या है, आपको एरर सुधारनी है। 1 लाख का सेल दिखा दिया बट आपका जो एक्चुअल सेल था वो 10,000 का था, एक्चुअल सेल कितने का, 10,000 का। अब आप क्या करोगे, सेल अकाउंट को डेबिट करोगे कि नहीं करोगे? हाँ भैया सेल अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई आइटम को डेबिट कर रहे हो? हाँ, कौन सी आइटम, सेल को। अगर मैं सेल को डेबिट कर रहा हूँ, सेल को डेबिट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इनकम का कम दिखाना। इनकम कम दिखाओगे तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ में आता है? हाँ भैया, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कभी भी, अगर आप कभी भी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते टाइम, रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास करते टाइम अगर आप कभी भी ट्रेडिंग या तो पीएनएल की कोई भी आइटम, ट्रेडिंग या तो पीएनएल की कोई भी आइटम को डेबिट करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम को डेबिट करोगे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आप क्या चीजें डेबिट करोगे, या तो एक्सपेंस को डेबिट करोगे, एक्सपेंस बढ़ेगा, या तो आपने इनकम जो गलती से ज्यादा दिखा दी उसको कम करने के लिए इनकम को डेबिट करोगे, ठीक है, तो भी आपका इनकम कम हो जाएगा, प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल की किसी भी आइटम को क्रेडिट करोगे, अगर आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल की किसी भी आइटम को क्रेडिट करोगे, किसी भी आइटम को क्रेडिट करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा। या तो आप सेल क्रेडिट करोगे, अगर आप सेल रिकॉर्ड करना भूल गए तो आप सेल रिकॉर्ड करोगे, सेल क्रेडिट करोगे, सेल क्रेडिट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम को, तो क्या होगा भैया, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा। और आप दूसरी किस चीज को क्रेडिट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने खर्चा ज्यादा दिखा दिया, आपने सैलरी का खर्चा दिखाना था 12,000, आपने दिखा दिया 1,20,000, तो आप क्या करोगे, सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट करोगे 1,08,000 से, ताकि आपको वो सैलरी एक्सपेंस को कम करना है। एक्सपेंस को कम करना मतलब क्या होता है भैया, आपका इनकम का बढ़ना होता है। हाँ भैया, मतलब एक चीज हमेशा दिमाग में रख लो, अगर आपको पूछते हैं क्वेश्चन में कि वॉट विल बी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम, कोई भी आइटम ट्रेडिंग एंड पीएनएल की डेबिट हो रही है, प्रॉफिट कम होगा, क्रेडिट हो रही है, प्रॉफिट बढ़ेगा, समझ में आया। परचेज भी क्रेडिट में हो सकता है, क्यों, क्योंकि परचेज अगर ज्यादा दिखा दिया कम दिखाने के लिए, टू परचेज कर रहे हैं, अब तो आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री आती है। हाँ, अब आप बोलोगे कि भैया आप ये बात कर रहे हो ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्रेडिट करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट बाकी सारी चीजों का क्या, अगर मिस्टर एक्स हुआ, सस्पेंस हुआ, तो उसका इंपैक्ट नहीं आएगा? बेटा नहीं आएगा। भैया एक एग्जांपल देके जरा देखो, हमें मिस्टर एक्स को 200 रुपये देने थे, हमें 200 रुपये देने थे, ठीक है, बट हमने लिख लिया कि हमें 2,000 देने हैं, मतलब वो हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितने का, 200 का, हमें लिख दिया कितना, 2,000 से हमने क्रेडिटर, सेल में गलती नहीं है, गलती कहाँ पे, आपको क्लियरली बोलना है गलती कहाँ पे है, क्रेडिटर में। अगर सेल में गलती होती तो वो तो ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम हो गई, तो अपन भैया इंपैक्ट करते प्रॉफिट को, हाँ। बट अगर आपको बोलते कि आपको मिस्टर एक्स को 200 रुपये से क्रेडिट करना था, उसकी जगह आपने 2,000 से क्रेडिट कर दिया, अब मेरे को ये बताओ ये कौन सी आइटम है भैया, बैलेंस शीट की। अगर आपने 200 की जगह 2,000 से क्रेडिट कर दिया तो ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल में भैया इंपैक्ट ही नहीं करता, प्रॉफिट को कहां से इंपैक्ट करेगा? क्या आपने मिस्टर एक्स का अकाउंट कभी भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लिखा? नहीं लिखा। आपने सेल लिखा, आपने सेल लिखा या तो परचेज लिखा, बट आपने मिस्टर एक्स लिखा? नहीं लिखा भैया। तो अगर सेल और परचेज को इंपैक्ट कर रहा है तो ट्रेडिंग में इंपैक्ट करेगा। आप बोलोगे मिस्टर एक्स को इंपैक्ट करेगा तो भैया सेल और परचेज को नहीं करेगा? भैया जरूरी नहीं है, इसीलिए तो पढ़ाया व्हेन वन अकाउंट इज इंपैक्टेड व्हेन टू अकाउंट इज इंपैक्टेड, याद है? वन अकाउंट इंपैक्ट का मतलब ये है, सेल परफेक्ट रिकॉर्ड किया है, परचेज परफेक्ट रिकॉर्ड किया, भैया मिस्टर एक्स में गलती कर दी है, तो वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल को इंपैक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है व्हेन इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप डैश करके लिखोगे, इफ वी आर डेबिटिंग एनी आइटम ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, इफ वी आर डेबिटिंग एनी आइटम ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, एरो करके लिखिए, प्रॉफिट विल डिक्रीज, वेरी सिंपल, भैया ट्रेडिंग एंड पीएनएल को डेबिट करोगे तो डिक्रीज ही होगा ना,
डैश करके लिखो, इफ वी आर क्रेडिटिंग एनी आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट विल इंक्रीज, प्रॉफिट विल इंक्रीज, ठीक है। अब शॉर्ट में यहां पे नीचे लिख दीजिए, क्या लिखोगे, चलो मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, अगर अदरवाइज कमेंट में एक बार एंडी कर दीजिए, ये बात अगर आपको समझ में आई तो कमेंट में एंडी कर दीजिए, और नहीं समझ में आई तो पूछिए। ट्रेडिंग पीएनएल, अगर आप क्या करोगे, ट्रेडिंग पीएनएल डेबिट, यहां पे लिखिए प्रॉफिट और डाउन का एरो कर दीजिए, मतलब आपको समझ में आ जाएगा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन, ठीक है। और यहां पे अगर आप लिखोगे ट्रेडिंग पीएनएल क्रेडिट, अगर आप ट्रेडिंग और पीएनएल आइटम क्रेडिट हो रही है तो क्या होगा भैया, प्रॉफिट विल इंक्रीज, ठीक है। ट्रेडिंग पीएनएल आइटम डेबिट और ट्रेडिंग पीएनएल आइटम क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट के लिए मैंने बना दिया, ठीक है, ताकि अगर आप रिवीजन कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर आप इतना भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। लिख लिया भैया, लिख लो, लिख लीजिए जल्दी से, थैंक यू सो मच श्रुति, ये लिख लीजिए और डन बताइए। और अभी अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, आजिए। चलिए आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहां पे मैं करवा देता हूं, आ जाइए बेटा। ओके लेट्स गो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको यहां पे दिया हुआ है, परचेज ऑफ 300 फ्रॉम रमन पास थ्रू द सेल बुक, आपने परचेज किया था रमन से और आपने इसको दिखा दिया, क्या सेल को दिखा दिया। अब देखो, जब आप पूरी बुक में ही एंट्री गलत करते हो, बुक में ही एंट्री गलत करते हो, इसका मतलब ये होता है कि दोनों अकाउंट को इंपैक्ट कर रहा है, जब पोस्टिंग लिखा है तब वन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या भैया, आपने जब जनरल एंट्री पास करी तब क्या कर दिया, परचेज की जगह सेल दिखा दिया, परचेज की जगह सेल दिखा दिया, तो परचेज को डेबिट करना पड़ेगा, हाँ। सेल को जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट करना पड़ेगा, हाँ। और रमन अकाउंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा भैया, रमन अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, कितनी अमाउंट से, डबल अमाउंट से, क्यों, पहली एक तो परचेज वाली, क्योंकि जो सही वाली अमाउंट से क्रेडिट करना था वो, और दूसरी सेल बुक में हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया था, अब डेबिट कर दिया तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स इंपैक्ट माननी पड़ेगी, क्रेडिट, यानी एक बार यहां पे 300 से क्रेडिट और एक बार यहां 300 से क्रेडिट, यानी दो बार उसका क्या हो जाएगा भैया, 300-300 से क्रेडिट, अल्टीमेटली 600 रुपए से उसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ओके। चल सेकंड, अगर नहीं समझ में आता तो रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री आप कर सकते हो, ठीक है, रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री, चलो मैं एक बार करवा देता हूँ, रॉन्ग, अरे सॉरी, पहले राइट एंट्री, यहाँ पे रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज टू आर, और हमने कर कर दिया आर टू सेल, ठीक है, परचेज कितने का, 300 का, आर कितने का, 300 का, यहाँ पे आर 300, यहाँ पे भी आर 300, अब रेक्टिफिकेशन एंट्री, परचेज को डेबिट किया नहीं किया, जो करना था हाँ, तो परचेज को डेबिट करेंगे, परचेज डेबिट कितना, 300, हमने आर को क्रेडिट करना था, क्या आर को क्रेडिट किया, नहीं किया, तो आर को क्रेडिट करेंगे 2R, कितना, 300, ओके, अब रॉन्ग एंट्री में आ जाओ, आर को हमने डेबिट किया 300 से, क्या हमें डेबिट करना था, नहीं करना था, तो आर को डेबिट जो किया उसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब 2R, एक और बार करेंगे 300, हाँ, एक काम कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन लिख सकते हैं, 2R 600, हाँ भैया, देखो आप बोलोगे भैया एक बार तो हमने 300 कर दिया तो दूसरी बार क्यों कर रहे हैं, भैया ये जो 300 किया ना क्रेडिट वाला, वो सही वाला कर, जो करना था वो, ठीक है, जो सही वाला करना था उसका 300 क्रेडिट किया यहाँ पे, जो पहले किया था वो, और ये जो 300 गलत किया ना उसका 300 अलग से करना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया देखो, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है, ये किसका भैया, आर अकाउंट, अब मेरे को ये बताओ, अगर कुछ भी गलतियां नहीं होती तो आर के क्रेडिट साइड में 300 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, हाँ भैया होने चाहिए। अब देखो गलती हुई तो क्या हुआ, गलती हुई तो आपने आर के अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 300, ठीक है,
अब सिंपल सी बात है, हमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आर का अकाउंट क्रेडिट साइड 300 रुपए ज्यादा होने चाहिए। डेबिट में अगर यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे 1300 होना चाहिए, अल्टीमेटली 300 रुपए ज्यादा होना चाहिए। अब हमने क्या किया, डेबिट कर दिया कितने से, 300 से। अब हम कितना क्रेडिट करें तो 300 से ज्यादा हो जाएगा क्रेडिट, 600 से। अल्टीमेटली देखो यहाँ पे 300 ज्यादा है, यहाँ पे भी 300 ज्यादा है, यहाँ पे 0 और 300, यहाँ पे 300 और 600, समझ में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 600 होगा। एक बार आपने ये जो गलती करी 300, उसको जीरो, उसकी इंपैक्ट को नलीफाई करने के लिए 300 से क्रेडिट करोगे, और दूसरा वाला जो सही में क्रेडिट करना था वो तो करो भैया, तो टोटल 600 से। ठीक है, तो अगर जिनको अभी भी ऐसा लगता है कि रॉन्ग साइड में ये डबल अमाउंट कैसे होती, तो ऐसे होती है बेटा। ठीक है, आगे आ जाओ। दूसरी एंट्री, बिल्स रिसीव फ्रॉम रामू 500 पास थ्रू द बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल को अपने को मिला था, ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल टू रामू करना था। हमने क्या कर दिया भैया, यहाँ पे हमने गलती कर दी और हमने कहाँ पे डाल दिया, बिल्स पेएबल में डाल दिया, तो यहाँ पे भी सेल और परचेज वाला सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप सेकंड अपने हिसाब से कर सकते हो। बिल्स पेएबल में डाल दिया मतलब पूरा का पूरा एंट्री गलत कर दिया। हमने क्या कर दिया भैया, हमने यहाँ पे कर दिया रामू टू बिल्स पेएबल कर दिया, रामू टू बिल्स पेएबल कर दिया। एक्चुअली हमें करना था बिल्स रिसीवेबल टू रामू करना था, तो रामू को क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट से। ठीक है, चलो थर्ड वाला, एन आइटम ऑफ 150 रिलेटिंग टू प्रीपेड रेंट वाज ओमिटेड। ठीक है, प्रीपेड रेंट हमने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया रेंट का अपने। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी भैया, प्रीपेड रेंट टू सस्पेंस हो जाएगी। ठीक है, प्रीपेड रेंट हमने क्या किया, हमने ओमिट कर दिया है। लास्ट ब्रॉड फॉरवर्ड करना भूल गए, मतलब आगे बैलेंस लेके आना भूल गए हैं, तो उस बैलेंस को लेके आना पड़ेगा। मतलब रेंट में तो सही डाला है, सिर्फ बैलेंस लाने में भूल गए। ठीक है, अगर फुल्ली ओमिशन होता तो क्या आता, फुल्ली ओमिशन होता तो हमारे लिए आता प्रीपेड रेंट टू रेंट आता, बट फुल्ली ओमिशन नहीं है, ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब रेंट में तो सही डाला, प्रीपेड रेंट का अकाउंट लेके आना भूल गए, ये डाल देंगे। ठीक है, चलो ये तीन आप अपने हिसाब से ट्राई करोगे लास्ट वाली। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ये जर्नल एंट्री बनाइए, और जर्नल एंट्री बनाने के बाद मुझे डन बताइए, और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा प्रॉफिट वाला। ठीक है, बट पहले आप क्या करोगे, इस एंट्री को रेक्टिफाई कर दो जल्दी से जल्दी। 1 2 3 4 5 6 एंट्री है, 6 मिनट इज मोर देन इनफ। हाँ भैया, ठीक है, तो 11 और 16। ठीक है, चल जल्दी से जल्दी एंट्री करने के बाद डन बताओ, उसके बाद मेरे को एक चीज आपको यहाँ पे और सिखानी है प्रॉफिट वाली।
अरे हुआ क्या, जल्दी बताओ रे। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ। ओके जल्दी कर लीजिए बेटा। अरे बताओ रे, हो गए 6 मिनट, जल्दी बताओ हुआ कि नहीं हुआ। ओके डन। चलो श्रुति मुझे ये बताओ बेटा कि आपको सारे ट्रांजेक्शन समझ में आ गए? ठीक है, लास्ट जो अपने डिस्कस नहीं किए वो भी समझ में आ गए कि कहना क्या चाहते हैं? चलो फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, अगर कोई रिकॉर्डेड देख रहा है और समझ में नहीं आता तो उनके लिए इश्यू ना बने। ठीक है, 400 पेड टू मिस्टर बी अगेंस्ट अवर एक्सेप्टेंस वॉज डेबिटेड टू मिस्टर एन। ठीक है, हमें डेबिट किसको करना था भैया? हमें डेबिट करना था मिस्टर बी को करना था, और हमने कर क्या दिया? मिस्टर एन को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अपन रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करेंगे यहाँ पे? सॉरी एक सेकेंड, क्या लिखा? मिस्टर बी अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिला भैया? अगर हम बात करें कि हमने 400 पे टू मिस्टर बी अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस, ठीक है, हमने पहले एक्सेप्ट कर लिया था किसी बिल को। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि हमने आगे एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी। ठीक है, हमारे पास बिल आया था और हमने बोला कि हाँ भैया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया? बिल्स पेबल को हमें पेमेंट करना था। हमें डेबिट किसको करना चाहिए था? हमें यहाँ पे अगर अपन देखने जाए बेटा तो हमें डेबिट करना चाहिए था बिल्स पेबल अकाउंट को, डेबिट करेंगे। ठीक है, टू कैश एंड बैंक करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका बिल्स पेबल क्लोज हो जाएगा। वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला अपना चैप्टर बाकी है, ठीक है, बट यहाँ पे सिंपली ओके डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करना था, बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और फिर अपन क्या करेंगे बेटा? अगर अपन देखे तो हमने एन अकाउंट को डेबिट किया भैया, एन को तो डेबिट करना ही नहीं दिया तो उसको हमने गलती से कर दिया, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिफ्थ वाला, रिसीव फ्रॉम 300, रिसीव 300 फ्रॉम अजीत हुज अकाउंट फॉर 300 वॉज रिटर्न ऑफ अर्लियर एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ अमित। अब मेरे को ये बताओ, जब आपने पहले अजीत से पेमेंट लेना था तो आपने राइट ऑफ कर दिया, उसका मतलब क्या? आपने बैड डेट को ऑलरेडी दिखा दिया। बैड डेट दिखा दे तो क्या करते हो? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, मतलब यहाँ पे अजीत अकाउंट आपने पहले किया होगा। अब आपकी बैलेंस शीट में अजीत का अकाउंट ही नहीं है, मतलब बैड डेट कर दिया। अब वो रिकवर होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं भैया? हम एंट्री करते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर करते हैं कि नहीं करते? हाँ करते हैं, बट हमने यहाँ पे कर क्या दिया? हमने यहाँ पे अमित को क्रेडिट कर दिया। भैया किसको क्रेडिट कर दिया? अमित को क्रेडिट कर दिया। भैया अमित को कहाँ क्रेडिट करना था? हमें क्रेडिट करना, हमने कैश एंड बैंक टू अमित कर दिया। हमें करना क्या था? कैश एंड बैंक टू बैड डेट रिकवर, तो कैश एंड बैंक तो सही से किया बट हमने अमित को गलती से क्रेडिट किया, तो अमित को डेबिट करेंगे। अमित अकाउंट डेबिट टू, हमने जो बेड डेट रिकवर अकाउंट नहीं किया वो कर देंगे, तो हम इन टू बेड डेट रिकवर। सिक्स वाला, ट्रांजिस्टर शोल्ड टू करुण फॉर 750 पास थ्रू सेल बुक ट्वाइस। ठीक है, आपने क्या कर दिया? सेल बुक से दो बार ट्वाइस, दो बार एंट्री कर दी। भैया करने कितनी बार? एक बार दी, तो एक बार क्या करोगे? रिवर्स कर दोगे। सेल अकाउंट डेबिट टू करुण अकाउंट, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो अब मुझे आपको यहाँ पे बताना है कि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, वो आप मुझे यहाँ पे बताओगे। चलिए, अब मैंने आपको क्या बोला था? एक सिंपल सा रूल बताया था कि अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम डेबिट होती है प्रॉफिट कम होता है। डेबिट होती है तब कम होता है, अगर ये आपको याद रखना है तो वेरी सिंपल, डेबिट साइड में एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट अगर कोई भी चीज होगी तो आपका प्रॉफिट कम होगा। मुझे ये बताइए, यहाँ पे परचेज ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है? हाँ भैया। सेल ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है? हाँ भैया। आप बोलोगे भैया ये तो सेल है, इनकम बढ़ेगी नहीं। सिंपल सी बात भैया, क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंट, कोई लेना देना नहीं है।
हमें ये देखना है कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी आइटम अगर डेबिट कर रहे हो प्रॉफिट कम होगा। इसका मतलब ये होता है परचेस डेबिट किया तो आपका प्रॉफिट कम होगा, हाँ। सेल डेबिट किया प्रॉफिट कम होगा, हाँ। ओके, कितने से कम होगा, जितनी अमाउंट यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक प्रॉफिट, अगर जगह नहीं होगी ठीक है, तो आप सिंपली अपनी ये जो बुक है ना, इंस्टीट्यूट की बुक, ठीक है, न्यू मटेरियल होगा तो अलग पेज नंबर पे होगा, बट आप यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट, और पहले वाले में क्या लिखोगे, -300। दूसरा ये भी डेबिट हुआ तो इसका भी क्या हुआ, -300। ओके, अब मुझे ये बताओ, रमन अकाउंट कभी आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल में डाला है भैया, मुझे ये बताइए। नहीं भैया, कभी नहीं डाला। तो रमन अकाउंट से कोई भी प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा, नहीं आएगा। तो रमन अकाउंट के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, जीरो, या फिर डैश, या कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चलो, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। दूसरी एंट्री, बिल्स रिसीवेबल कभी आपने ट्रेडिंग पीएनएल में डाला, नहीं भैया नहीं डाला, बैलेंस शीट में होता है। बिल्स पेएबल, नहीं भैया नहीं डाला। रामू अकाउंट, नहीं भैया नहीं डाला, नो इंपैक्ट। ये एंट्री का कोई भी प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं आएगा। क्या समझ में आया, ठीक है। चलो, अब थर्ड एंट्री का आप खुद मुझे बताओगे, ठीक है। थर्ड एंट्री का देख लो, प्रीपेड रेंट कभी ट्रेडिंग पीएनएल में देखा, नहीं भैया। प्रीपेड रेंट अपने लिए असेट होता है, बैलेंस शीट में दिखता है। रेंट होता है वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में दिखता है, प्रीपेड रेंट नहीं दिखता है बेटा, तो यहाँ पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं। सस्पेंस भी अपन बैलेंस शीट में डाल दे भैया, इसका भी कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल पे। चलो, एक काम कर दे, फोर्थ वाले का भी कोई नहीं इंपैक्ट आएगा, क्योंकि एन मेहता एक पर्सन है, और बिल्स पेएबल वो भी अपन नहीं डालते, ठीक है। अमित एंड बैड डेट रिकवर, चलो मुझे इसका आंसर बताइए फिफ्थ वाले का, कि इस एंट्री के कारण, इस रेक्टिफिकेशन एंट्री के कारण आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, फिफ्थ का जल्दी से बताइए बेटा। प्लस अमाउंट या फिर माइनस अमाउंट, ऐसा लिख दीजिए आप, प्लस करके अमाउंट लिख दीजिए या माइनस करके लिख दीजिए, ये वाली एंट्री का जल्दी से बताइए क्या होगा भैया। पहले हम देखेंगे क्या, जल्दी से बताइए, यू हैव जस्ट 30 seconds, ठीक है, 30 seconds है आपके पास, उसके बाद मैं समझाना शुरू कर दूंगा। ओके, लेट्स गो। यहाँ पे अमित अकाउंट देखो, अमित अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल में कभी आता है, नहीं आता, तो इसकी इंपैक्ट आएगी भैया, नहीं आएगी, इसकी इंपैक्ट नहीं आएगी, बहुत बढ़िया श्रुति। बेड डेट रिकवर कभी ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आता है, हाँ भैया, पीएनएल में लिखते हैं क्रेडिट साइड बेड डेट रिकवर, तो ये इसको क्या किया, ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है, हाँ है, इसको हमने क्या किया, क्रेडिट किया कि डेबिट, हमने इसको तो क्रेडिट किया, क्रेडिट करना मतलब प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, कुशल बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या आएगा, +300, ठीक है। अब मुझे ये लास्ट वाले का बताओ, लास्ट वाले का क्या होगा, सेल अकाउंट डेबिट टू करुण अकाउंट क्या होगा, जल्दी से बताइए लास्ट वाले का, 30 seconds ही हुआ। क्या सेल अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है, पहले अपने आपको ये पूछने का, क्या ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है तो इंपैक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। सेल अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल का आइटम है, हाँ भैया है, ठीक है। तो हमने ट्रेडिंग एंड पीएनएल आइटम को क्या किया भैया, हमने डेबिट किया, तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, 750। ओके, फिर देखते करुण ट्रेडिंग एंड पीएनएल का आइटम है, नहीं, ये तो बैलेंस शीट की आइटम है, तो इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं। अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, देखो 300 से कम हुआ, 300 से कम, टोटल 600 से कम, 600 से कम और 300 से बड़ा, मतलब टोटल 300 से कम, और यहाँ पे 750 से और कम, टोटल आपका हो जाएगा 1050 से कम हो जाएगा, प्रॉफिट विल बी डिक्रीज बाय 1050। देखो यहाँ पे यही लिखा है, एज अ रिजल्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, मतलब इस एरर को सुधारने के कारण प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 1050। अगर आप इस एरर को सुधारोगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, कितने से, 1050 से। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको परफेक्टली समझ में आया क्या, ठीक है। चलो, अगर आपको ये समझ में आया तो आगे आ जाइए, 7 वाला हो गया, हाँ, 8 वाला बाकी है, हाँ भैया, चल आ जा, 8 वाला। ओके, अब मुझे बताओ कि क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है, एकदम सही से समझ में आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है ना, हाँ भैया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे आपको कोई क्वेश्चन दिया
बोला रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री पास करो, आपने कर ली। फिर आपको बोला कि प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा वो ढूंढो, आपने ढूंढ लिया। फिर आपको बोला कि आप सस्पेंस अकाउंट भी बनाएं, आपने बना लिया। तो कभी भी दिमाग में ये मत रखना कि भैया ये सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट में जो चेंज आया वो मैच क्यों नहीं हो रहा। बेटा कहां से होगा, सस्पेंस अलग चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस में अलग चीज है। सस्पेंस किसी भी अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है। मिस्टर एक्स को कम दिखाया, ठीक है, बट सामने ज्यादा क्या दिखाया वो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स कर देंगे, या मिस्टर एक्स टू सस्पेंस जो बी अकाउंट है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स क्या पीएनएल को इंपैक्ट करेगा, नहीं करेगा। सस्पेंस भी नहीं करेगा क्योंकि वो बैलेंस शीट का है। तो सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस के इंपैक्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन 8 के बारे में बात करते हैं। इलस्ट्रेशन 8 यहाँ पे जो मैंने आपको दिया है, ये भैया आपको करने का है होमवर्क में। इसमें आपको क्या करने का है, इसमें देखो ऑन गोइंग थ्रू ट्रायल बैलेंस यू फाइंड आउट द डेबिट एक्सेस बाय। अब देखो यहाँ पे डेबिट एक्सेस बाय ये कौन सा बैलेंस है, मुझे ये बताइए पहले। डेबिट एक्सेस बाय 150 ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट ज्यादा है तो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है 150। तो आप क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड में पहले 150 ओपनिंग में लिखोगे। यहाँ पे दिया है क्या, सस्पेंस दिया है क्या, इधर गया, सॉरी क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट है। तो सस्पेंस अकाउंट का अपन को क्या करना, यहाँ पे कुछ गलती है क्या इसकी, एक सेकंड रुको, हाँ सॉरी, डेबिट ज्यादा है यानी अपन बोले कि क्रेडिट साइड में अपन ने सस्पेंस अकाउंट लिखा होगा, तो क्रेडिट साइड में अपन को सस्पेंस अकाउंट को लिखने का, अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, डेबिट आपका हुआ 1000 रुपए और क्रेडिट आपका यहाँ पे 1000 कंप्लीट करना पड़ेगा, बट टोटल है कितना 850। तो आपने क्रेडिट क्या किया होगा, सस्पेंस, तो ये सस्पेंस का कौन सा क्रेडिट साइड में लिखा, तो आपको क्रेडिट साइड में सस्पेंस में लिखने का, ठीक है। तो ये आपका सस्पेंस का हो गया, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। फिर आपको यहाँ पे कुछ एंट्री दी हुई है, देखो टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट आपने ज्यादा कर दिया है। फिर आपको सेल अकाउंट के बारे में दिया है, ये एंट्रीज अपन कल डिस्कस जरूर से करेंगे, बट आपको होमवर्क के लिए मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप ट्राई करिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज आपका इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री पास करनी है, ठीक है भैया कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है, वो भी आपको आता है, हाँ भैया कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बेटा करना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री पास करी सस्पेंस अकाउंट, और फिर आपको देखना है इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के पे इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट क्या आएगा। ये तीन चीजें आपको इस क्वेश्चन के लिए करनी है, और ये कल मैं आपका जरूर से ये क्वेश्चन का आंसर देखने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ये जरूर से कर लेना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। 6 एंट्री है, ठीक है, उसके बाद सस्पेंस बनाना है और इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट करना है, लगभग 12 मिनट से ज्यादा आपका नहीं जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसको कर दीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। अभी करना हो तो अभी भी आप कर सकते हो, ठीक है, अभी भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। या तो मैं क्लास चालू रखूं 10 मिनट के लिए, या तो आप क्लास को एंड करके भी 10 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो कल अपन आंसर का डिस्कशन करेंगे, और प्लीज इसको लिख के आना, जैसे आज श्रुति ने भेजा है, कुशल ने भेजा, मेरे को पता नहीं लिखा कि नहीं लिखा था, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, अगर आप सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा, और आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। कल मैं आपको सॉल्व जरूर से करवाऊंगा, बट आपको खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है। चलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।